झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम विधानसभा सीटों को लेकर राय शुमारी चल रही है और हर विधानसभा सीटों को लेकर जो दावेदार हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की दिलचस्पी जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। गिरिडीह की बात करेंगे, हमारे साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी नमन जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और कौन कौन से दावेदार इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। तो रुक करेंगे हम अपने संवाददाता गिरिडीह नमन का। नमन, गिरिडीह की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी हलचल है और कौन कौन से दावेदार इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी देखिए मैं बता दूं नवीन की गिरिडीह में भाजपा और जेएमएम में टक्कर इस बार भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। भाजपा की तरफ से पहली नाम अगर आ रही है तो विधायक पूर्व विधायक निर्भय समाधि की आ रही है और जेएमएम की तरफ से अभी के जो तत्कालीन विधायक है सभी विधायक सुदीप कुमार सोनू है। वही अगर माले की बात करें तो माले में अभी विनोद सिंह जी है बहुदर से और गिरिडीह से आपके राजेश यादव जी जो थे से कुछ दिन पहले जेकेबीएस से जुड़ गया है लेकिन इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा उनकी पार्टी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए नमन, ये भी बात है, देखिए हर विधानसभा सीट से ये चीज देखने को मिल रहा है कि चाहे भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, दावेदारों की संख्या इस बार ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि इस बार पार्टियों को ये तय करने में माथापच्ची हो सकती है कि इतने दावेदारों की संख्या है, किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए? क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि गिरिडीह में माथापच्ची होने वाली है? जी, ये कहा जा सकता है नवीन की इस बार टक्कर बहुत टक्कर की होगी चुनाव। लेकिन मैं बता दूं कल देर रात तक भाजपा की ओर से राय शुमारी का आयोजन किया गया था स्थानीय श्याम मंदिर में। वहां पे हर प्रखंड से कई पदाधिकारी आए थे जिसको लेकर उन्होंने हंगामा कर दिया कि जिला अध्यक्ष को लेकर हंगामा किया कि यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा पुराने नाम को हटा करके नए नाम जोड़ पैसे लेकर नए नाम जोड़ने का आरोप लगाते हुए कई महिलाओं ने कई व्यक्तियों ने हंगामा किया। लेकिन वही अगर उन लोगों का कहना है कि ऐसा कोई भी बात नहीं, एक बात सरासर झूठा है लेकिन यहाँ आरोप लगाने वाले कई हैं और प्रखंड स्तर पर भी कई आए हुए थे। उन्होंने यही कहा कि हम लोग को वोट देने से वंचित किया जा रहा है और यहाँ पे नाम बदल करके नए नाम जोड़े जा रहे हैं। चलिए, तो इस बार राय शुमारी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और लोगों से राय ली जा रही है कि कौन सा उम्मीदवार उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए परफेक्ट होगा, किस पर सहमति बनेगी। हालांकि कई जगहों पर इस राय शुमारी कार्यक्रम में हंगामा और गहमा गहमी भी देखने को मिला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आला कमान जो है कैसे लोगों से तालमेल बिठाती है और तालमेल बिठाकर उम्मीदवार का चयन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद नमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हम जानकारी आपको दे रहे थे, तमाम विधानसभा सीटों पर स्थिति दिलचस्प बनती हुई दिखाई दे रही है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियों को मंथन करना पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बिहार घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।